मैं हूँ गौरव और आज मैं अपना पहला जो वीडियो है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहला वीडियो मैं अपना कुकिंग पे बना रहा हूँ। अब कुकिंग पे है तो ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई खाना आज बनाने जा रहा हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ समोसे। मुझे पता है समोसा सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, चाहे स्कूल की कैंटीन हो या कोई 5-स्टार होटल। समोसा ऐसा स्नैक है जो हर जगह लोग ऑर्डर करते हैं, तो आज हम भी ये टेम्पटिंग सा स्नैक अपने घर पर बनाएंगे और आप सब सीख सकते हैं मुझे बनाते हुए देख के। और समोसा बनाने के लिए बेसिकली हमारे चार स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें मैदा गूंथना होता है, जिसे हम कहते हैं डोज बनाना। सेकेंडली हम फिलिंग के लिए तैयारी करेंगे, जो समोसे में हम फिलिंग भरते हैं उसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। थर्ड वन, हम समोसे को शेप में लाएंगे, उसको फिल करेंगे। एंड फोर्थ इज डीप फ्राई। मैंने जैसे कहा कि हम मैदा लगाएंगे, तो मैदा बनाने के लिए मेरे पास मैदा है, मैदा हमने इसमें रख दिया। उसके बाद इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक इसमें हम थोड़ा सा और करेंगे, और अजवाइन। अजवाइन फ्लेवर भी देती है, और सेकंडली अजवाइन डालने से इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो अजवाइन इसमें जरूर डालिए। और उसके बाद हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आप, जैसे मैंने एक बाउल मैदा लिया है तो इसमें मैं 2 स्पून कुकिंग ऑयल के डालता हूँ। उसके बाद इसको मिक्स कर दीजिए। हमने मिक्स कर दिए हैं। अब नेक्स्ट इज हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमें इसमें ऐड करना है, और उसके बाद इसको पानी में अच्छे से मिक्स करना है। और ये इस तरह से मैदा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से इसको आप पीसीस में काट लीजिए। रोटी बनानी है, इस तरह से शेप में ला के हमने बना के रख लिए हैं, जिसमें हमें समोसा फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमें आलू की फिलिंग बनानी है, जो हमें समोसे में बेसिकली भरनी होती है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आलू, बॉयल्ड आलू मैंने यहाँ पे रखे हैं, ग्रीन चिलीज हैं यहाँ पे, सोल्ट हम इसमें डालेंगे, साबुत धनिया, कस्तूरी मेथी और गरम मसाला। आप चाहो तो रेड चिली भी डाल सकते हो, लेकिन रेड चिली मैं नहीं डालता हूँ, बेसिकली मैं रेड चिली अवॉइड करता हूँ। ऐड कर दीजिए और गरम मसाला ऐड कर दीजिए। अभी मिक्स करने के बाद, अब ये देखो मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है गरम किया हुआ है, इसमें से ये आप साबुत धनिया और ये मेथी ये फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आपको आलू जो आपने फिलिंग के लिए तैयार करके रखे हैं उसमें मिक्स कर लीजिए, और इसको इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। ये जो आपका टेस्ट को एनहांस कर देगा, और ये फिलिंग आपकी बन के तैयार हो गई। लगता है वो है समोसे को फिल करना, तो फिल करने के लिए इस तरह से हाथ में हम इसको रोटी को रखेंगे, इसको यहाँ से हम पानी से थोड़ा सा गीला करेंगे, और इस तरह से हम इसका ये कीप की तरह इसको बनाएंगे। इसको ऐसे रखा, और ये इसमें हमने जो फिलिंग जो बनाई थी इसको फिल किया, इसको फिर ऊपर से थोड़ा गीला किया,
और इस तरह से इसको हमने ये बंद कर दिया, फिल करके रख लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप है हम इसको डीप फ्राई करेंगे, और ये हमने इसको ऑयल में डाल दिया, इसको अच्छे से जो हमें है पकाना है, डीप फ्राई करना है, और टाइम टू टाइम इसको बीच में हमें कढ़ाई में पलटते रहना है। और आप देख सकते हो कि ये समोसा जो है वो पक के तैयार हो गया। इस तरह से जब ये रेडिश शेड में आ जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। सो समोसा तैयार। यम्मी टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।